वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम रूटर। अगर आप गलती से लड़खड़ाते हुए हमारे चैनल पे आज पहली बार आ गए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। रुक जाइए, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी खबरें मिलेंगी बिल्कुल बोरिंग अंदाज में नहीं। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं फिर तो आपको पता ही है मैं कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करती हूँ। तो देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको देने वाली हूँ क्रिकेट न्यूज राउंड अप, यानी क्विक रिकैप, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी पिछले दिनों क्रिकेट की दुनिया में कौन कौन सी बड़ी खबरें हुई हैं। स्टार्टिंग विद केएल राहुल। खराब क्रिकेट खेलने के बाद केएल राहुल नहीं रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के काबिल, क्योंकि अब रोहित शर्मा फिर से हो गए हैं ओपनर और शुभमन गिल भी हो गए हैं स्क्वाड में शामिल। यानी राहुल पर अब बढ़ गया है नंबर 4 हड़पने का प्रेशर, क्योंकि इस स्पॉट के लिए भी कई दावेदार हैं जैसे मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर। देखते हैं अब राहुल कैसे रहते हैं टीम इंडिया के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि उन पर से भी उठ जाए कैप्टन कोहली का हाथ। चलिए मीडिया को खुश करने के लिए सही, रवि शास्त्री ने खुले आम लगाई है ऋषभ पंत को डांट, कहा है अगर नहीं बंद किए अपने केयरलेस शॉट्स तो धोना पड़ सकता है टीम में से हाथ। लेकिन फिर भी अपनी इन्हीं हरकतों से बाज नहीं आया ये खिलाड़ी, दूसरे T20 में भी सिर्फ 4 रन पर ही खत्म कर दी अपनी पारी। अब देखिए, मानिए ना मानिए, ऋषभ पंत पर बढ़ता जा रहा है परफॉर्मेंस प्रेशर, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए लाइन में खड़े हैं ईशान किशन और संजू सैमसन। खैर ऋषभ पंत चले ना चले, लेकिन टीम इंडिया की हुई है होम सीरीज में अच्छी शुरुआत। बारिश वाले पहले मैच के बाद दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका को दी है मात। 72 नॉट आउट के साथ कैप्टन कोहली ने टीम को जितवाया मैच, और बतौर फील्डर भी सुपरमैन की तरह उड़ कर लिया था क्विंटन डीकॉक का जबरदस्त कैच। वैसे खुशी हुई कि शिखर ने भी बनाए 31 बॉल्स पर 40 रन। वर्ल्ड कप वाली थंब इंजरी के बाद फाइनली अपने गब्बर अवतार में दिखे मिस्टर धवन। वैसे इस हफ्ते क्रिकेट गलियारों में एक नाम और बहुत गूंजा, जिसे हम सब प्यार से कहते हैं कुलचा। कैप्टन कोहली ने कहा है कि बैटिंग लाइनअप बढ़ाने के लिए कुलदीप और यूजी को किया है T20 से बाहर, लेकिन एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतरी है ये खबर। सबका कहना है कि कुलदीप और यूजी के साथ हो रही है नाइंसाफी, अगर इसी तरह बाहर रहे तो फिर आ सकती है कॉन्फिडेंस में कमी। वैसे टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी कोच मिसबाउल हक ने लागू किया है एक नया रूल। पिज्जा और बर्गर वाली कंट्रोवर्सी के बाद से नो टू बिरयानी एंड ऑयली फूड। मिसबाउल हक ने कहा है कि सभी क्रिकेटर्स की डाइट पर रखी जाएगी कड़ी नजर, और अगर किसी ने भी की लापरवाही तो वो हो सकता है टीम से बाहर। चलिए देखते हैं खाने की शौकीन पाकिस्तानी टीम नई डाइट के साथ उखाड़ेगी कौन सा पहाड़, कहीं ऐसा ना हो कि सरफराज की सेना हो जाए माल न्यूट्रिशन की शिकार। उधर वेस्टइंडीज की टीम के साथ भी हुई है कुछ फेर बदल। ओडीआई और T20 की कैप्टन अब नहीं होंगे जेसन होल्डर। लगता है इंडिया के हाथों हार के बाद भुगतना पड़ा है खामियाजा, अब सिर्फ टेस्ट कैप्टेंसी का ही उनके लिए खुला है दरवाजा। कारन पोलार्ड को सौंपी गई है ये नई जिम्मेदारी, यानी देखते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले कैसे करते हैं अपनी टीम के साथ तैयारी। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ इम्पोर्टेंट क्रिकेट न्यूज। आप प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमें भी मिल जाए थोड़े से व्यूज, एंड आई विल सी यू लेटर इन अनदर वीडियो। टिल देन, एडियो।